स्पॉन्सर्ड बाय फूड अड्डा, मुंबई फेमस फास्ट फूड ब्रांड। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसे, उपचुनावों में भी उतारेंगे अपना प्रत्याशी आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने चित्तौड़गढ़ स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, राजस्थान में बेरोजगारी, बेकारी और कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। कांग्रेस के राज में महिला उत्पीड़न के मामलों में देश भर में राजस्थान नंबर वन पर आया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सब गहलोत और वसुंधरा के गठबंधन का नतीजा है, जिससे पुलिस का इख्तबार खत्म हो गया। थानों में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए मजबूत शासन की आवश्यकता है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा मजबूत शासन नहीं दे सकती, जिसे लेकर तीसरे मोर्चे का प्रयास मैं लगातार कर रहा हूं। वहीं उन्होंने कहा, सांसद, विधायक और अन्य नेता सीमेंट और जिंक फैक्ट्री इकाइयों के मुनीम बनकर रह गए, वो उनकी पैरवी करते हैं। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने और विकास पर उनका कोई ध्यान नहीं है। वही फैक्ट्रियों का सीएसआर का फंड तो होता है, लेकिन खर्च कुछ नहीं होता, जिसे लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन दिसंबर माह में करने की बात कही। ट्राइबल बेल्ट में कोई विकास नहीं हुआ है। आगामी दिनों राजस्थान के वल्लभ नगर और धरियावद सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर नागौर सांसद और आरएलबी सुप्रीमो बेनीवाल ने भी कमर कस ली है। जल्दी वो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। अपने चित्तौड़गढ़ अल्प प्रवास के दौरान उन्होंने ये बात मीडिया से कही। प्रेस वार्ता से पूर्व जिले के जाट समाज के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर ढोल बजाकर बीच सड़क पर बेनीवाल का स्वागत किया। वही सर्किट हाउस में भी उनका स्वागत हुआ। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। कार्यक्रम भी रखा है और कोरोना के बाद लंबे समय से राजस्थान के अंदर और देश में जो बड़ा नुकसान कोरोना के अंदर हुआ, सेकेंड लेयर में लाखों नौजवान हमारे बीच से चले गए। और आज चूंकि मैं रेगुलर जनसुनवाई जगह जगह कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर, आज मेरी इच्छा थी चित्तौड़ के अंदर जनसुनवाई भी करूँ। और ये जो दोनों चुनाव बल्लभ नगर और दरियाबाद, यहाँ भी प्रत्याशी चयन को लेकर हमारे पर्यवेक्षक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग और खेमकर विधायक नारायण बेनीवाल के साथ साथ छह प्रभारी भी यहाँ पिछले 5-7 दिन से इस इलाके के अंदर है। और उसमें भी करीब करीब मोटा मोटा इन लोगों ने विचार विमर्श कर लिया, उस चयन को भी अंतिम रूप देंगे। और विशेष जो मकसद था वो मेवाड़, जो इस राजस्थान के अंदर इतिहास के पन्ने मेवाड़ की वीरता से अटे पड़े हैं, लेकिन आज भी मेवाड़ और यहाँ का जो ट्राइबल बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देखो तो आप वही अधिकारी कांग्रेस के बीजेपी के राज में थे जो कांग्रेस के राज के अंदर है। और TSP क्षेत्र के अंदर विकास की बात जरूर करता है, लेकिन विकास नज़र नहीं आ रहा है। बेरोजगारी, बेकारी और कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है राजस्थान के अंदर। अभी मैं आपके ही बताए आंकड़े पढ़ रहा था कि राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर देश में एक नंबर पर चला गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज से 15 साल पहले जो राजस्थान 23-24 नंबर पर था, वो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। थानों में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है और हमारी बालिकाएं बालक सुरक्षित नहीं है। 2-3-5 साल हैवानियत इस कदर हावी हो गई लोगों के ऊपर कि छोटे बच्चों को भी शिकार बना रहे। इसके लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता राजस्थान के अंदर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मजबूत शासन राजस्थान में नहीं दे सकती। तीसरे मोर्चे का प्रयास मैं लगातार कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से राजस्थान के अंदर 20 साल से मेरा संघर्ष था और 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नया विकल्प राजस्थान को मिले। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवान, किसान और इस राजस्थान को एक नई दिशा, एक नया विकल्प देने के लिए कटिबद्ध है। पहली पार्टी जिसने पंचायत चुनाव भी लड़े, पालिकाओं के चुनाव भी लड़े, बाई इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और आज आप ये देख रहे हो कि बल्लभ नगर और जो दरियावद का चुनाव है, यहाँ भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ने के लिए खड़ी है। वो तीसरा विकल्प देना चाहती है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था तो देश का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल, चूँकि किसान का बेटा है, इसलिए सत्ता को ठोकर मारी और 2 महीने तक शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम भी किया और वहाँ सड़क पर ठंड के अंदर किसानों को धरना भी दिया। और आज भी किसानों का आंदोलन प्रदेश और देश के अंदर जारी है। हम एक नई दिशा, नई सोच के साथ राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं। इन मेवाड़ के इलाकों के अंदर सीमेंट कंपनियों की दादागिरी चल रही है,
नेता उनके मुनीम बन गए मेवाड़ के अंदर या राजस्थान में जहाँ भी सीमेंट कंपनियाँ आई, स्थानीय विधायक सांसद उनके मुनीम गिरी का काम करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का ठेका ले लेता है, कोई जिप्सम सप्लाई का ले लेता है, कोई दूसरा काम लेके और वो उन कंपनियों की पैरोकारी इस प्रदेश और देश के अंदर कर रहे हैं। आपकी चाहे आगूचा दरीबा का मामला हो, चाहे यहाँ पे जिंग का मामला हो, यहाँ प्रदूषण जरूर इस इलाके को मिलता है, नहीं तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं लोकसभा विधानसभा के अंदर हमेशा इस मामले को उठाता हूँ कि कानून बने जहाँ किसानों की जमीन अधिकृत हो, जिस इलाके के अंदर नए उद्योग लगे, भिवाड़ी से लेके चित्तौड़ और तेल के कुआं बाड़मेर के चाहे भीलवाड़ा हो, इन तमाम क्षेत्रों में जहाँ नए उद्योग लग रहे हैं वहाँ राजस्थान और देश की सरकार कानून बनाए कि 80% रोजगार स्थानीय नौजवानों को मिलेगा, जिससे बेरोजगारी समस्या का समाधान भी होगा और इससे अच्छा विकास का CSR फंड जो कंपनियों को आता है, मैं आपके यहाँ आंकड़े बताता हूँ कि CSR फंड होता है जरूर है, लेकिन खर्च 1 रुपये भी CSR फंड का राजस्थान के विकास के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन दिसंबर के अंदर हम शुरू करेंगे, जोधपुर में सबसे बड़ी रैली हम करेंगे जिसकी संख्या 5 से 10 लाख लोग होगी, और सेकेंड रैली हम लोग विचार ये करें सेकेंड या थर्ड के अंदर मेवाड़ में, मेवाड़ की समस्याएं जो भी मेवाड़ की स्थानीय रोजगार को लेके, पीने के पानी को लेके, टूटी सड़कें, बेकारी, बेरोजगारी या आपका अफीम की जो नीति है, इसके अंदर भी बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसान मारा जा रहा है, अफीम के पट्टे तो आप दे रहे हो लेकिन उसको फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अफीम उत्पादन करता है और उसके बाद आत्महत्याएं करता है, क्योंकि उसको न तो भाव मिलता न रेट मिलती, और जगह जगह किसानों पर जुटे NDP से मुकदमे की सरकार चाहे जो अपनी नीति के हिसाब से दर्ज कर लेगी। तो इन सबको लेकर मेवाड़ के तमाम जिलों को लेकर जोधपुर की रैली के बाद यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी होंगे, हमारे सबसे बड़े मुद्दे होंगे कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी जो 1 लाख करोड़ का कर्जा है राजस्थान के किसानों के ऊपर, जिस तरह धरना चक्रवर्ती 3 लाख करोड़ का कर्जा दिल्ली की कांग्रेस BJP सरकार ने माफ किया, तो 1 लाख करोड़ का कर्ज राजस्थान के किसान का माफ हो, जिसमें KCC का भी लघु सीमांत और सीमांत 30 से 40 रुपये का जो कर्जा है वो भी माफ हो, फ्री बिजली राजस्थान को मिले, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हमारी जो बिजली उत्पादन कंपनियाँ और जो बिजली का उत्पादन हमारे सेंटर कर रहे हैं उससे राजस्थान बिजली उत्पादन में 1 नंबर की ओर बढ़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब हम 1 नंबर पर होंगे। तो हम चाहेंगे कि किसान को फ्री बिजली मिले, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अतिरिक्त सरकार को देना होगा, तो सरकार 30,000 करोड़ तो दारू से कमाती है राजस्थान में, हर साल दारू से 30,000 करोड़ सरकार कमाती है सरकार को। दूसरा, हम टोल मुक्त राजस्थान की बात करेंगे, तो रोड टैक्स लेते हो, सेस डीजल पेट्रोल आपका बढ़ गया, 100 पार हो गया, हरियाणा पंजाब और दिल्ली के अंदर पे डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता, तो राजस्थान में 11 रुपये 12 रुपये 10 रुपये महंगा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार आपको हिसाब किताब नहीं देगी, आम जनता को अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना होगा। जब क्रूड ऑयल विश्व बाजार के अंदर सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है? ये पेट्रोल डीजल सस्ता हो, गैस आम आदमी के काम में आने वाली चीज़ें सस्ती हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान राजस्थान का, और स्थानीय लोगों को रोजगार और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। आप SP कलेक्टर को पकड़ दो भ्रष्टाचार के अंदर, साल भर जेल में भी रहता है और उसके बाद आप उसको फील्ड पोस्टिंग दे देते हो, SP भी लगा देते हो, IG भी लगा देते हो और कई कमिश्नर भी लगा देते हो, जो भ्रष्ट व्यक्ति जिसका कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, और लोकायुक्त मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पिछले लोकायुक्त की जो रिपोर्ट थी, मैंने विधानसभा के अंदर मामला उठाया था कि 1 दर्जन FIR गहलोत और वसुंधरा के खिलाफ करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों के लोकायुक्त ने सिफारिश करी थी, लेकिन वो सिफारिश किसको करी थी? सरकार को ही करी थी। जब सरकार उनकी खुद की है तो FIR कैसे दर्ज करें खुद के खिलाफ? इसलिए लोकायुक्त मजबूत हो, मजबूत लोकायुक्त को पूरे ताकत मिले, पूरे उसको पावर मिले कि वो अलग से अपनी ट्रायल करवा सके, तब जाके ये मुख्यमंत्री और मंत्री जेलों के अंदर होंगे। बाकी लूटपाट का मामला एक बार ये कमा लेंगे, अभी BJP के लोग 5 साल से चुप रहेंगे, उनको पता सरकार अपना आप लोग वोट देंगे, तीसरा विकल्प है नहीं, मौज मस्ती करेंगे, जो पैसा खाया वो कमाएंगे पचाएंगे और उसके बाद कांग्रेस वाले तैयार हो जाएंगे। तो ये मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान में न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर लोकसभा तक संघर्ष करेगी। तीनों विधायक जो विधानसभा के अंदर, आपने देखा होगा कि भी जो डिप्टी का वायरल वीडियो कांस्टेबल के साथ हुआ या थाना गाजी का वायरल वीडियो था, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, उसके तीनों विधायक विधानसभा में लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति है जो सिस्टम के खिलाफ बोलता, सिस्टम को बदलना चाहता, BJP ने एक शब्द नहीं बोला, वायरल वीडियो विधानसभा चली थी, ये बंद कर दिया था, कोई व्यक्ति इस मामले को नहीं उठाएगा।
इसी तरह परिवहन मंत्री जब प्रताप सिंह का नाम आया घोटाले के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली, आपस में मिलजुल ली एक दूसरे बीजेपी के नेताओं। तब आरएलपी पार्टी ने इस परिवहन घोटाले की सीबीआई जांच से मांग करी थी। तो जहां भी आवश्यकता पड़ती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत विकल्प के रूप में राजस्थान के अंदर खड़ी है, देश के अंदर खड़ी है। आज एग्जाम पिछले, मैं तो कहता हूँ वसुंधरा के समय से पीएमटी रद्द हुई, बड़ा घोटाला हुआ पीएमटी के अंदर, उसके बाद मंत्री बदल गए, आरपीएससी के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ, चेयरमैन पकड़े गए, जेल के अंदर है वसुंधरा के टाइम, आरपीएससी सब्जी मंडी बन गई राजस्थान की, और यह जो भी चेयरमैन और मेंबर बनता है वो 50-60 अपने रिश्तेदारों में नौकरी लगा रहता है, घर पर ही कॉपियाँ ले जाने का। तो मैं रोज आरोप लगाता हूँ, अगर उन लोगों में दम है कि मेरा आरोप गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाएं, मेरे खिलाफ कहीं जाए, लेकिन चूंकि वो चोर है आरपीएससी से, मैंने जिन जिन चेयरमैन और सदस्यों पर आरोप लगाया जो बोल नहीं पाते, करेगा कौन, करेगी सरकार, राजस्थान सरकार सीबीआई जांच नहीं देती, हाईकोर्ट के अंदर लोग जाते हैं सीबीआई में मामले नहीं जाते, और दिल्ली की सरकार भी चुप हो जाती है जब बीजेपी के लोगों का नाम आता है। तो इस सिस्टम को बचाने के लिए नए सिरे से लड़ाई लड़नी होगी। आज हर पेपर लीक हो रहा है राजस्थान, कोई गारंटी नहीं कि कौन सा एग्जाम सही हुआ, नौकरियां भी लग गई, ज्वाइनिंग भी दे दी, लेकिन उनमें पता नहीं कितने लोग फर्जी ज्वाइनिंग ले चुके हैं और किन किन लोगों ने पेपर आउट कराए। रीट को लेकर भी बड़ा बवाल अभी राजस्थान के अंदर हुआ, उससे पहले जैन भर्ती का, पटवारी भर्ती का, आपका एसआई भर्ती का पेपर खुलेआम बाहर आ गए, दो दो तीन तीन दिन पहले लोगों के पेपर बाहर आ गए, और बेरोजगार तड़प रहा है। तब आप ये बताओ पेपर ही बाहर दे रहे हो तो पढ़ने लिखने का मतलब क्या हो गया, फिर तो घर बैठे नौकरियां लगा दो, भाई इस पार्टी का कार्यकर्ता या उस नेता का रिश्तेदार उसको नौकरी दे दो आप, ये सिस्टम। क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो हालात थे वही हालात राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं, और इन हालातों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अशोक गहलोत और वसुंधरा जिम्मेदार है, जिन लोगों ने गहलोत सरकार बचाने के लिए लगे हुए, वसुंधरा गहलोत की मदद कर रही है, पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए लगे हुए, और बीजेपी के दूसरे लोग भी सीएम बनना चाहते हैं, काम कोई करना नहीं चाहता। सड़क पर 2.5 साल 3 साल के अंदर बीजेपी ने कोई हल्ला बोल नहीं किया, एक भी इनका प्रदर्शन बता दो जिसमें 5,000 लोग इकट्ठे हुए, सिर्फ अखबार में छपने के लिए बड़ी बड़ी फोटो, जयपुर बैठे बयान दे देते हैं, अपनी फोटो छपा लेते हैं, कोई दिल्ली के हिसाब से छपा लेता है, कोई स्टेट के हिसाब से, और इनके अलावा उनका संगत जीरो है। अगर कोई राजस्थान में लड़ता हुआ नजर आएगा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान और किसान लड़ता हुआ नजर आएगा। बड़ा राजस्थान है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए खड़ा करने में समय, कई लोग मुझे पूछते हैं कि कब बनेगा तीसरा विकल्प, मेरे हाथ में तो मैं तो बना ही रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, रुका नहीं, झुका नहीं। किसके दल से आप बातचीत कर रहे हैं सदस्य इस बारे में, तीसरे विकल्प के बारे में आप कौन कौन से सदस्य आप? मैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खुद ही बात कर रही है कि तीसरा विकल्प आरएलपी बने राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैंने कई नेताओं के साथ संघर्ष करके देखा था पिछली बार, मुझे इन वक्त में छोड़ के और पार्टियाँ ज्वाइन कर लिया, इसलिए मैं किसी दल के साथ मिलकर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, चुनाव के समय अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए, अगर कोई दल हमसे बात करेगा तो निश्चित रूप से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले। हमने बीएसपी को भी देखा, बीएसपी से पिछली बार बातचीत का प्रयास किया, लेकिन बीएसपी के टिकट खुले हम बिके, और बीएसपी पे भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा आरोप अगर बीजेपी पार्टी पे लगे तो बहुजन समाज पार्टी पे, देश के अंदर लगे, जिसके एमएलए एक साथ ही 6 के 6 8 पर गहलोत ने खरीद लिया, और अब की बार में 6 विधायकों को खरीद के और कांग्रेस ज्वाइन करा ली, तो दूसरे दलों पर हमारा विश्वास ही नहीं रहा। और ये जितने भी दूसरे दल राजस्थान के अंदर आए 52 के बाद, वो यहाँ का एक भी दल नहीं था, यूपी का था, बिहार का था, कोई हरियाणा का था, और कोई चौथे स्टेट का। राजस्थान का पहला दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो यहाँ के किसानों का आशीर्वाद, जवानों के जोश ऊर्जा और उत्साह और उम्मीद से बनी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो राजस्थान को नई दिशा देगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 23 के अंदर पसीना छुड़ा देगी। आरएलपी अभी दोनों उपचुनाव के अंदर आयोजित है, सुनवाई के साथ साथ इसको भी अंतिम रूप देंगे। दोनों पार्टियों ने आरएलपी के जो हमारे दोनों विधायक यहाँ गए हुए थे प्रभारी के साथ बैठे बल्लभ नगर दरियावत के अंदर, मोटा मोटा इन्होंने बना लिया, जो जिताऊ हो वो टिकाऊ, टिकाऊ जिताऊ, जाति से ज्यादा जरूरी है वो जिताऊ टिकाऊ हो, लोगों की सेवा करें।